बिल्कुल, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। दरअसल एक ही फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी आएंगे साथ में। ये फिलहाल बेहद दिलचस्प खबर भी है क्योंकि दोनों ही एक ही फ्लाइट में सामने आएंगे। आमना सामना भी हो सकता है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए, और दोनों एक ही फ्लाइट से आने वाले हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक ही फ्लाइट में आएंगे नीतीश और जैसा अंजलि बता रही है तेजस्वी, एक ही फ्लाइट में आएंगे, ऐसे में क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता है वो यूपी बिहार से होकर गुजरता है, और इस बार तो बिहार में अगर बात की जाए तो सारा का सारा खेल ही नीतीश कुमार के हाथ में है। दिलचस्प तस्वीर आज दिखने वाली है वाकई में, जब एयरपोर्ट पर जो तीनों नेता हैं बिहार के, चाहे नीतीश कुमार की बात करें हम, तेजस्वी यादव की बात करें हम, या चिराग पासवान की बात करें हम, सभी एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, और तीनों ही नेताओं की आपस में फ्लाइट में मुलाकात भी होगी। अब मुलाकात होगी तो बेशक बात भी होगी, अब बात क्या होगी सरकार को लेकर या सरकार के गठन को लेकर, ये अपने आप में अहम आता है। अब इस चीज को लेकर कि चूंकि तेजस्वी यादव कई बार कह चुके कि चाचा है, हमारे चाचा है, हमारे सम्मानीय चाचा है, वो कहीं नहीं जाएंगे, 4 जून के बाद बहुत बड़ा खेला होने वाला है, ये बहुत सारी बातें वो पहले कह चुके हैं, लेकिन आज चूंकि नीतीश कुमार की कल से जो चुप्पी है अब तक की वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि जो विश्वस्त सूत्र है वो ये बता रहे कि इस बार पलटी मारने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन जब मुलाकात तीनों नेताओं की होगी फ्लाइट के अंदर, चाहे चिराग पासवान की हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की हो, चाहे वो कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली से नीतीश कुमार की आवाज से हमारे साथ जुड़ी हुई है सुजाता। बिहार की राजनीति तो बेहद दिलचस्प रही है, लेकिन अब यहां जब खास तो मौके पर जब नीतीश कुमार की जरूरत दोनों ही दलों को लग रही है, दोनों ही पार्टियों को लग रही है, तो क्या देखा जा रहा है आखिर, क्योंकि दोनों यानी कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ एक ही फ्लाइट में आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है अभी जो पूरा मामला है, और कहते हैं कि राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, और यहाँ कब कौन हीरो बन जाता है, कब किसके दिन फिर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। नीतीश कुमार के लिए सब ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव होगा ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है और जेडीयू खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद, लेकिन किसे क्या मालूम था कि इस चुनाव के बाद असल में किंग मेकर के तौर पर उभर जाएंगे नीतीश कुमार, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है, एक किंग मेकर की भूमिका में है। 12 सीटें जीतकर आज बड़ी शान से वो दिल्ली लौट रहे हैं, साथ में उनके भतीजे भी आ रहे हैं, और पूरे बिहार के जितने भी जाने पहचाने चेहरे हैं वो सभी एक फ्लाइट में दिल्ली आ रहे हैं, और दोनों अलग अलग खेमों में बातचीत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। सोमवार को जब नीतीश कुमार नतीजों से पहले दिल्ली आए थे तब उनकी पोजीशन कुछ और थी, हालांकि वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे एनडीए के साथ, और वो बातचीत करने के लिए आए थे कि सरकार बनाने में क्या भूमिका होगी। सूत्र बताते हैं कि ये भी देखना था कि जेडीयू की क्या भूमिका होगी, लेकिन अब जब वो आएंगे नतीजों के बाद तो उनकी पोजीशन कुछ और होगी, उनकी जो बार्गेन पावर है वो कहीं ज्यादा होगी जो पहले नहीं थी, तो ये वक्त बदल चुका है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन क्या बिल्कुल सही कह रही है कि बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, और ये देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने लिए क्या मानते हैं।